ओडिया एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल ले समस्त स्वागत। आज आम भिडे अष्टम श्रेणी साहित्यिका जो तुम बही बही रही ओडिया बहीटी साहित्यिका विषय कविता विभाग वृक्ष महात्म्य विषय आम जो सार कथा रही से सार कथा विषय आलोचना करवा। तेज भिडियो आरंभ करने पूर्व गोटे छोटिया अनुरोध भिडियो को लाइक शेयर कमेंट निश्चय करेंगे चैनल नुआ आसते चैनल को सब्सक्राइब करदे। तेज आसतु आरंभ करवा वृक्ष महात्म्य कविता को रचना करती बड़ी जगन्नाथ दास जेकि ओडिया जातिर एक अनेक प्रसिद्ध चिन्मय रक्षा कवच पाल्टी जाती पंचदश शताब्दी शेषार्ध आ षोड़श शताब्दी प्रथमार्धर यही जो कालजी पुरुष आविर्भाव होता भक्त कवि जगन्नाथ दास अति बड़ी जगन्नाथ दास ओडिया जातिर जो भावमूर्तिर चित्र आंखि देती अनंत काल स्मरणीय रही है। तबे विषय वस्तु रो सार कथा भीतर को प्रवेश करिबा भक्तकवि बा श्री जगन्नाथ दासंकर जो श्रीमद् भागवत एकमात्र शाश्वत धर्मग्रंथ नुहे अनेक रही अन्य पक्षरे एथिरे नैतिक सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यबोध मान अति सुंदर भावरे प्रतिफलित हो उठी। यही जो विषय वृक्ष महात्म्य प्रसंगटी श्रीमद् भागवत दशम स्कंध गोपलीला रो त्रयोविंश अध्याय अंशविशेष अटे। यही परिप्रेक्षी में परम पुरुष लीलामय श्रीकृष्ण सखा मानंक सह गोचारणरत थिला बेले प्रचंड रौद्रताती वृक्षराजीर स्निग्ध शीतल छाया तले परम शांतिर सह विश्राम करिसंती। ई अवसर रे विश्राम अवसर रे भगवान श्रीकृष्ण प्रिय सखा मानंकर आगरे वृक्ष मानंकर अशेष त्याग परोपकार बलिदान संपर्क रे वर्णना करिसंती। से तो होउछंती स्वयं सृष्टिकर्ता हे मध्य तांकर जो सृष्टि वृक्ष मानंकर अजस्र प्रशंसा से करीकृष्ण मतरे वृक्ष मानंकर महत्व कौन सी साधु सज्जन प्राणी सह समतुल्य अटे। सदाशय परोपकारी माने परर उपकार करी निजे दुख कष्ट को हसी हसी ग्रहण करी नहीं थांती। साधु संत मानंकर ये जो महत्व ताकु श्रीकृष्ण वृक्ष मध्य आविष्कार करिसंती। तेणु वास्तव में वृक्ष माने परोपकारी अटंती। मनीष वर्षा शीतरे वृक्ष छाये आश्रय नहीं प्रचंड ग्रीष्म प्रवाह रक्षा पाइबापी गछर शीतल छाया तले से आश्रय नहीं थाए वृक्ष छायार शीतलता गुण को प्रकृति कवि स्वभाव कवि गंगाधर मेहर मध्य प्रशंसा कर लिखिंटी अनेक कविता। वृक्ष निजे जड़ी मानव को उष्मता प्रदान करे। तेणु भगवान श्रीकृष्ण ये वृक्ष माने निजे कष्ट वरण कर मनीष को ग्रीष्म शीत वर्षार प्रकोप रक्षा करती बोली वर्णना करपरी साधु सज्जन माने अतिथि सत्कार करपर यही वृक्ष माने पत्र फूल फल अमूल्य उपहार मध्यम यही लोक मानंकर अशेष कल्याण कर। वृक्षर गंडी मानव कौन करे ना सुदृढ़ गृहोपकरण जिनस मान सब निर्माण करे। वृक्षर डाल खाद्य रंधन रे साहाज्य करे जो काठ रूप में आम व्यवहार करुचु। वृक्षर पाउंश मध्य कृषि क्षेत्र सार रूप में व्यवहार हुए तार जो स्वादिष्ट फलमूल पनीपरिया रूप से आम व्यवहार करुचु एवं ये मानव जाति तृप्त होता है। वृक्षर काठरे
मानव अशेष जीविका निर्वाह करथाय। वृक्षर एही गुणावली को कवि सुंदर भावे वर्णना करिसंती। परोपकार एक स्वर्गीय सद्गुण, ये स्वर्गरु प्राप्त होइथाय। साधारणतः मानव मानक मध्यरे प्राय समस्ते परोपकारी नहांती, सबु मानव परोपकारी नहंती। स्वार्थपर मानव मध्य समाज रे अनर्थ सृष्टि करे, मात्र वृक्ष वृक्ष मात्र के परोपकारी एक अक्षय संकेत। कवि अति बड़ी जगन्नाथ दास श्रीकृष्ण मुखरे वृक्षर यही सद्गुण प्रशंसा करी से लिखिछंती, एते प्रकारे सेवा करी नित्य ए परोपकारी। तेणु परोपकारी व्यक्ति जपरी परकालरे इहकालरे प्रशंसा लाभ करिथाय, वृक्ष मध्य जीवित ओ मृत्यु उभय अवस्था परोपकारर गौरव लाभ करिथाय। तेणु स्वयं भगवान श्रीकृष्ण तांकर सृष्टि रे वृक्ष को बेसी महत्व देछंती, प्रशंसा मध्य करिछंती। तेणु ए कविताटी वृक्ष महात्म्य विषय रे अशेष अशेष वार्ता आमको देथाय। तेणु या भल भाव शुण मन रख, मन रखिले तुम्हें ये सार कथाटी अनेक प्रश्नर उत्तर सहजे कर। ठीक अच्छी, रोची, धन्यवाद।